राजस्थान पर मॉनसून ने तूफानी अटैक किया हुआ है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में बारिश बला बनकर बरस रही है। यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बह रहे सैलाब में सांसों पर संकट छाया हुआ है। कई जगह ये जल प्रहार जानलेवा साबित हो चुका है। ये 6 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीर में आप देखिए कहां कहां पर किस तरीके से बारिश ने कहर बरपा रखा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, इन 6 राज्यों में बारिश ने तो आफत ही मचा रखी है। और ऐसे में लोग इससे परेशान हो रहे हैं। कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, कहीं पर गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो हर तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। देश की तस्वीर के साथ साथ अब मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश में भी पन्ना, शाजापुर, छिंदवाड़ा, सीहोर और बीजापुर, इन जगहों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। मॉनसून का तूफानी अटैक आप देखिए। कहीं कहीं पर डैम के जो गेट हैं वो खोलने पड़े हैं, कई क्योसेक पानी छोड़े गए हैं, तो कहीं पर जो रपटे हैं वो तक डूब चुके हैं, जिसकी वजह से गांव का शहर से संपर्क टूट चुका है। दंतेवाड़ा में सड़क धंसने की खबर सामने आई है। इसके अलावा कांकेर में भी हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोई घर से बाहर भी अगर निकले तो जाए कहाँ, क्योंकि जाने का कोई साधन नहीं है और हर तरफ पानी ही पानी। कहीं बस फंस रहे हैं तो कहीं पर बाइक सवार गिर पड़ रहे हैं। ऐसे में इस बारिश ने बहुत ज़्यादा आफत ला दी है। और मध्य प्रदेश के इन 6 ज़िलों की तस्वीर आप देखकर समझिए कि किस तरह बारिश ने कहर बरपाया है। और इधर श्योपुर और नर्मदापुरम में जोरदार बारिश हो रही है। श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर है। श्योपुर को कोटा खातौली से जोड़ने वाला जो रपटा है वो डूब चुका है। सुंडी गांव फिर टापू बन चुका है और गांव में करीब 300 लोग फंसे हुए हैं। वहीं पचमढ़ी में जटाशंकर महादेव मंदिर में पानी भर चुका है। मंदिर जाने वाला रास्ता झरना बन गया है। ये दोनों ही तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती नजर आ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टिहरी में बालगंगा नदी की तेज लहरों में कोई एक आधा भी नहीं बल्कि कई दुकानें लोगों की आंखों के सामने पानी में समा गईं। रुद्रप्रयाग से भी दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। केदारनाथ हाईवे पर अचानक चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। ऊपर से पत्थरों की बारिश होती दिखी और नीचे सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ नजर आई। राहत की बात तो ये थी कि पत्थर गिरने वाली जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में भी गंगा नदी में इतना उफान आ चुका है कि एक कांवड़िए की जान जाते जाते बची है। गंगा का बहाव इतना भयानक था कि कांवड़िया खुद को संभाल ही नहीं सका और गंगा नदी की चपेट में आकर बीच नदी में बहता हुआ नजर आया। राहत की बात तो ये रही कि उत्तराखंड पुलिस हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थी और 2 जवानों ने उस कांवड़िए को बचाने के लिए तुरंत गंगा में छलांग लगा दी। उत्तरकाशी में भी लगातार हो रही बारिश से गंगोत्री धाम में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। धाम में स्नान करने के लिए बनाए गए घाट पूरी तरह से नदी के पानी में समा चुके हैं। नदी घाट किनारे मौजूद मंदिरों को छू कर बह रही है। सभी लोगों को नदी के पास जाने से रोक दिया गया है। SDRF और पुलिस टीम धाम में तैनात कर दी गई है। डर ये है कि उत्तराखंड में ऐसे कई हादसे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश होने की चेतावनी जाहिर की है। तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और गंगोत्री में देखिए क्या मंजर है। तेज बारिश की वजह से कहीं पर दुकान के दुकान ही समा गए नदियों में। देखिए अचानक से कैसे एक के बाद एक टिहरी में जो दुकान है वो नदी में समा गए। तो रुद्रप्रयाग में आप देखिए कैसे जो पहाड़ है वो खिसक कर नीचे की ओर आ रहे हैं, कई पत्थर गिर रहे हैं। गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। तो हरिद्वार में कांवड़िए को 2 सिपाहियों ने बचाया है और गंगोत्री का भी यही हाल है।
तो बारिश से गुजरात भी बेहाल है। तापी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वहां तो इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि 50 साल में पहली बार जिले की वाल्मीकि नदी में उफान आया है और नदी का पानी किनारा तोड़कर बेकाबू हो चुका है। नवसारी में भी बारिश से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं। गुजरात के डांग जिले में लगातार बारिश की वजह से वहां के खूबसूरत गीरा झरने ने भयानक रूप ले लिया है। पर्यटकों के पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट गीरा झरने पर इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। बारिश की वजह से वो ओवरफ्लो हो रहा है। और अब बात कुछ खेलों की कर ली जाए। दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ यानी ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने इस बार 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड टूटेगा और भारत पेरिस ओलंपिक में मेडल टैली में दोहरे अंक तक पहुंचेगा। भारत को किन खेलों से उम्मीद है और भारत के लगभग कितने मेडल पक्के? पीएम ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का क्या संदेश दिया है, उन तक क्या संदेश पहुंचाया है, ये सब कुछ आपको एक खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। ओलंपिक में इंडिया, पेरिस में मेडल, भारतीय खिलाड़ी तैयार, मेडल्स की होगी बौछार। आगाज हो चुका है ओलंपिक्स खेलों का। पेरिस के सीन नदी पर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी हुई तो तस्वीरें गवाही दे रही हैं, कह रही हैं कि ये दृश्य अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। ऐसा पहली बार हुआ जब ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के बजाय किसी नदी पर आयोजित की गई हो। भारतीय दल की अगुवाई पीवी सिंधु और शरद कमल ने की। सीन नदी की लहरों पर कश्तियों पर सवार परेड ऑफ नेशंस में हिस्सा लिया पॉप स्टार लेडी गागा, आया नाकामुका और सेलिना डायोन ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, हर एक लम्हे को यादगार बना दिया। दूसरी तरफ एफिल टावर पर कमाल की लेजर लाइट से पूरा पेरिस जगमगा उठा। ऐसा लग रहा था मानो सिटी ऑफ लव ये कह रहा हो पेरिस ओलंपिक में आपका स्वागत है। 26 जून की रात जहां सेरेमनी से ओलंपिक का आगाज हुआ तो वहीं 27 जून से ओलंपिक्स में मेडल्स की झड़ी लगने की बारी आ गई। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि भारत इस बार ओलंपिक्स में कितने खेलों में हिस्सा लेगा और उनमें कितने खिलाड़ी खेलेंगे। भारत का 16 खेलों में खिलाड़ियों का पदार्पण हुआ है। भारत के 117 एथलीट्स मेडल्स की आस लेकर पहुंचे हैं। शूटिंग के 15 इवेंट्स में 21 भारतीय खिलाड़ी, आर्चरी के 5 इवेंट्स में भारतीय टीम, बैडमिंटन में भारत कमाल करने को तैयार, 6 बॉक्सर्स के मुक्कों पर निर्भर 6 गोल्ड मेडल्स, हॉकी की टीम से फिर होगी मेडल की दरकार, गोल्फ में पहले मेडल का इंतजार, एथलेटिक्स का सबसे बड़ा दल दिलाएगा मेडल, नीरज चोपड़ा के थ्रो से भारत को गोल्ड की उम्मीद, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और शरद से उम्मीद, टेनिस में सुमित और रोहन बोपन्ना करेंगे दावेदारी पेश, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू करेंगी कमाल। ये भारत के वो खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीद है मेडल की। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि पेरिस ओलंपिक शुरू होने के साथ ही भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं। हर एथलीट भारत का गौरव है। आप सभी चमकें और खेल भावना की सच्ची भावना को समाहित करें, साथ ही अपने असाधारण प्रदर्शन से हमें प्रेरित करें। उधर पेरिस रवानगी से पहले भारतीय दल के हर एक खिलाड़ी का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपने प्रदर्शन से भारत को मेडल दिलाने के लिए तैयार हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल्स जीते थे और ये भारत ओलंपिक का इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस बार उम्मीद है कि खेल के महाकुंभ ओलंपिक में भारत अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर मेडल टैली में दोहरे अंक तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।